गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम बायोलॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं 12th साइंस आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के कक्षा 12 का फर्स्ट लेसन। पिछले वीडियो में हमने आपको एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी पादपों के बारे में बताया था कि आवर्तबीजी पादप कौन से पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादपों में जनन विशेष रूप से कौन सा पाया जाता है। तो उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता रहा हूं कि आवर्तबीजी पादपों में मुख्य रूप से दो प्रकार का जनन पाया जाता है, एक अलैंगिक दूसरा लैंगिक। पहला है अलैंगिक जनन एंड सेकंड है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, युग्मकों का संलयन नहीं होता। अलैंगिक जनन के अंदर मियोसिस भी नहीं होता है, ऐसा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक, मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और उनमें फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये हम अगले आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे। फिलहाल अलैंगिक जनन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आवर्तबीजी पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो एगेमोस्पर्मी, जिसे एनिसेक बीजता कहते हैं, एनिसेक बीजता, एगेमोस्पर्मी। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस गैमस प्लस स्पर्मी। हम कह सकते हैं ए विदाउट गैमस फर्टिलाइजेशन एंड स्पर्मा, स्पर्मेस होता है सीड। हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट मींस बिना निषेचन के बीज का निर्माण, एगेमोस्पर्मी यानी से बीजता कहलाता है। नंबर दो, दूसरा जो जनन होता है वो होता है कायिक जनन। दोनों ही अलैंगिक जनन के प्रकार है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, कायिक जनन पौधे के जो कायिक भाग होते हैं जिन्हें वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कायिक जो भाग होते हैं वो स्टेम होता है, रूट होता है एंड लीफ होता है। ये तीनों जो हैं, तना, जड़ और पत्ती, तीनों ही कायिक भाग होते हैं। तो इस प्रकार का जनन जिसमें संतति का निर्माण जनक पौधे के किसी कायिक भाग से होता है वो कायिक जनन कहलाता है। अब इस वीडियो में हमें जो डिटेल से पढ़ना है वो कायिक जनन के प्रकारों को हमें पढ़ना है। तो जो कायिक जनन के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। जो कायिक जनन है वो दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। जैसे कि नाम से आपके समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक कायिक जनन अर्थात ये जो जनन होता है पौधे के जो कायिक पार्ट्स हैं जिनको वृद्धि पार्ट्स, प्रोपेगेशन पार्ट्स भी कहा जाता है, उन पार्ट्स में अपने आप स्वतः ही जो जनन होता है वो प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत आता है। कृत्रिम कायिक जनन में पौधा खुद जनन नहीं करता है बल्कि उसे प्रेरित किया जाता है, वो कृत्रिम है। फिलहाल प्राकृतिक जो कायिक जनन है उसकी विधियों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्राकृतिक जो कायिक जनन है
उसकी जो विधि है वो तीन प्रकार की है। प्राकृतिक जो काय जनन है वो तनों द्वारा प्राकृतिक काय जनन होता है। नंबर दो जड़ों द्वारा एंड नंबर थ्री पत्तियों द्वारा। तो प्राकृतिक काय जनन की तीन विधियां हैं, तनों द्वारा प्राकृतिक काय जनन, जड़ों द्वारा प्राकृतिक काय जनन एंड पत्तियों द्वारा काय प्राकृतिक काय जनन। तो आज हम जो विस्तार से पढ़ने वाले हैं वो तनों द्वारा प्राकृतिक काय प्रवर्धन हम पढ़ रहे हैं। तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। प्यारे विद्यार्थियों, प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो तने होते हैं या जो तना होता है वो रूपांतरित होता है। हम ये कहें कि तने का रूप बदल जाता है। इस प्रकार से वो सारे जो तने जो किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए अपने रूप में परिवर्तन करते हैं उन्हें रूपांतरित तने कहा जाता है। तो तने जो होते हैं उन तनों में कुछ रूपांतरण होता है और रूपांतरण होने की वजह से उन तनों में उन कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है और वो संरचनाएं जनन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। इस प्रकार से अगर हम तनों की बात करें तो यहां से और यहां तक ये सारे रूपांतरित तने हैं। फर्स्ट है प्रकंद जिसे राइजोम कहा जाता है, सेकंड कंद है ट्यूबर, सर्ग कंद, घन कंद, ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी, भूस्तारी और अंतिम है भूस्तारिका। ये सारे वो तने के रूपांतरित प्रकार है जो किसी न किसी कार्य करने के लिए इनका निर्माण हुआ है। इनमें कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं और वो संरचनाएं अलैंगिक जनन में भाग लेती हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं प्रकंद। प्रकंद को राइजोम कहा जाता है। प्रकंद में जो आते हैं अदरक, केला और हल्दी, ये एग्जांपल हैं। ये डायग्राम है प्रकंद का, अदरक का। इसमें होता क्या है कि एक भूमिगत तना है जिसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कह सकते हैं। इस भूमिगत तने में प्रतिकूल जब परिस्थिति आती है तो इसमें भोजन का स्टोरेज होता है और जैसी अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसमें जो नोड्स होते हैं जिनको हम पर्व संधि कहते हैं, जैसे आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि पर्व है और यहां पर ये पर्व संधि है। तो जहां पर्व संधि है जिन्हें नोड्स कहा जाता है, उन नोड्स में बड्स कहें जिनको हम कलिकाएं कहते हैं, वो कलिकाएं उपस्थित होती हैं और प्रतिकूल परिस्थिति होने पर उन कलिकाओं में प्रस्फुटन होता है या हम ये अंकुरण होता है और अंकुरण होने से एक वायवीय तने का निर्माण होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे अपस्थानिक जड़ें हैं, ये तना है और यहां पर ये पर्व है और ये पर्व संधि है और पर्व संधि में कलिकाएं हैं और कलिकाओं के प्रस्फुट होने से ये वायवीय तना उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रकंद में जो जनन होता है वो कायिक जनन होता है। प्रकंद का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अदरक, जैसा कि हम आप और हम घरों में इसको डेली यूज करते हैं तो इसको हम देख सकते हैं। नंबर दो, दूसरा है कंद। कंद को ट्यूबर कहा जाता है। कंद जो है इसका बेस्ट एग्जांपल आलू है और आर्टी चौक है। आलू की हम बात करें, आलू भी एक क्या है, भूमिगत तना है। ये भूमिगत तना है और इसमें भी भोजन का स्टोरेज होता है और स्टोरेज होने से ये जो आलू है ये मासल हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक डीजनरेट नोड्स होती हैं। ध्यान दीजिए, डीजनरेट नोड्स इसका मतलब होता है अपरासित
सॉरी ये स्पेलिंग डिजनरेट ये है, डिजनरेट नोड्स अभ्रासित नोड्स होती है, पर संध्या होती है अर्थात वो भी दिखाई नहीं देती है, उनका एक हल्का सा निशान इस तने पर होता है, और जो अभ्रासित जो नोड्स होती हैं उनमें बड्स होती हैं, कलिकाएं होती हैं, और वो कलिकाएं जैसा कि यहां देख पा रहे होंगे आप, ये जो कलिकाएं हैं ये कलिकाएं डिजनरेट नोड्स के ऊपर उपस्थित हैं, और ये कलिकाएं जिन्हें आंख कहा जाता है ये ही एक तरीके से आंखों में ही अंकुरण होता है, और अंकुरण होने से युवा प्ररोह जिसको हम तरुण तना कहते हैं उसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण करते कैसे हैं कि जहां जहां ये आंखें होती हैं आलू में, आलू को आप घर पे लाइए और घर पे लाने के बाद आप उसको फ्रिज में हम रख देते हैं, तो उसमें जैसे ही ह्यूमिडिटी प्राप्त होती है तो आलू में अंकुरण प्राप्त हो जाता है, और ऐसी संरचनाएं आंखों जैसी संरचनाएं में प्राप्त होती है, और ये संरचनाओं को हम क्या करेंगे चाकू से काटेंगे, और चाकू से काटने के बाद वो टुकड़ा जिसमें वो आंख है इस आंख युक्त टुकड़े को यदि हम भूमि में दबा देते हैं तो दबाने से उसमें एक नया प्ररोह का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आलू में जो नव पादप नया जो तना है उसका निर्माण होता है तो आंख के द्वारा होता है। आंख जो है वो एक अंकुरणशील कलिका है जिसमें अंकुरण होता है, उसमें अंकुरण होने से एक नया पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आलू और आर्टिचॉक के अंदर कायिक प्रबंधन होता है। नंबर थ्री है सल्ककंद। सल्ककंद के अंदर जैसे कि नाम से पता चल रहा है सल्क जैसा आपने देखा होगा मछलियां होती हैं उनके ऊपर सल्क होते हैं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मछलियां होती हैं उनके शरीर के ऊपर सल्क होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैपिंग किए हुए होते हैं, वो भी सल्क होते हैं। सब के शरीर के ऊपर आप सल्क देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि हम बात करें सल्क गंध की, जिसका बेस्ट एग्जांपल ऑनियन है, प्याज है, और गार्लिक लहसुन है, यदि हम प्याज और लहसुन को देखें उनके ऊपर भी एक दूसरे के ऊपर एक सल्क उपस्थित होते हैं जिनको हम एक एक सल्क को हटाते हैं और खाते हैं। एक्चुअल में ये सल्क गंध है ये भी एक भूमिगत तना है, इसमें इसको हम संघनी तना भी कह सकते हैं। इनमें जो आपको दिखाई दे रही है ये सिर्फ कलिकाएं हैं, एक के बाद एक कलिकाएं एक दूसरे के ऊपर आच्छादित रहती है, ओवरलैपिंग किए हुए होती है। ये सिर्स कलिका है। इन कलिकाएं किसी भी प्लांट्स में जितनी ज्यादा कलिकाएं होंगी उतना ही उसमें अंकुरण होगा, उतने ही नए पादप बनेंगे। तो ये जो कलिकाएं हैं ये कलिकाएं अंकुरण होता है, इन कलिकाओं के द्वारा ही नए पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार से प्याज जो है इसमें भी एक तरीके से कायिक प्रबंधन होता है, और ये भी तने का रूपांतरण है। नंबर चार जो हम पढ़ेंगे वो है घनकंद। घनकंद में जिसको कोर्म कहते हैं, अरबी और जमीकंद आते हैं। यहां ये डायग्राम है, ध्यान से देखें, ये पर्व है, ये पर संधि है, ये इंटरनोड है, ये नोड है, ये सिस्ट कलिका है। ये जो अरबी है जिनको घनकंद कहा जाता है ये भी एक भूमिगत तना होता है, ये साखित होता है और फूला हुआ होता है। इनमें जो पर्व संध्या होती है उन पर्व संध्याओं में बड्स होती हैं, और वहीं से उसी बड से एक तरीके से हम कहें अंकुरण होता है और नए पादपों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तने द्वारा जो कायिक प्रबंधन होता है उसके चार पार्ट्स आज हमने पढ़े, प्रकंद, कंद, सल्ककंद और घनकंद। अगले वीडियो में हम ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका के बारे में हम पढ़ेंगे।
प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो वीडियो में दिखाया हुआ है उसको प्रेस करें ताकि अपकमिंग जो वीडियोज हैं आप देख सकें और इन वीडियो का आप फायदा उठा सकें। धन्यवाद।